और कृषि में मिलने वाली सारी सुविधाएं जो मेरे पशुपालकों के डेयरी और पशुपालन जब सम्मिलित हो जाएगा तो उसमें मिलनी चाहिए। ये राज्य सरकार और भारत सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि डेयरी और पशुपालन को कृषि के विभाग में सम्मिलित किया जाए और कृषि में मिलने वाली सारी सुविधाएं जो मेरे पशुपालकों के डेयरी और पशुपालन जब सम्मिलित हो जाएगा तो उसमें मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। कृषि में जाने से एक तो दूध का जो है जिस प्रकार कृषि जिंसों का सपोर्ट प्राइस मिल रहा है खरीदते हैं तो उसी प्रकार मेरे दूध का भी समर्थन मूल्य भारत सरकार देगी। जब कृषि का होगा तो समर्थन मूल्य मिलेगा। इनकम टैक्स दूध के उत्पादन पे इनकम टैक्स जब वो लग रहा वो नहीं लगेगा। इसी प्रकार जो है चौथा ये कि आपदा प्रबंधन में जिस प्रकार आपके अकाल पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, शीतलहर हो जाती है और या कुछ फसलों में संक्रमण बीमारी आती है तो पूरा मुआवजा भारत सरकार देती हूँ। और बीमा जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो बीमा की प्रीमियम है वो भी उनको मिलता है। तो ऐसे ही जो मैं उनसे मांग करता हूँ जब ये कृषि में चला जाएगा तो पशुपालक क्रेडिट कार्ड भी उसी तरह प्रभावशाली हो जाएगा और पशुओं में लंपी बीमारी है या फ्लड आता बाढ़ आ जाता है पूरे 10-10, 20-20 गाँव में देश में किसी भी भाग में बाढ़ आने से जानवर बह जाते हैं तो उनका मुआवजा भी भारत सरकार देगी। और इतना ही नहीं कृषि जिंसों की भांति समर्थन मूल्य जो है पशुपालकों के दूध पे भारत सरकार देना पड़ेगा। अभी तो कांग्रेस के अशोक जी गहलोत ने जो है 5 रुपए शुरू किए इस हिंदुस्तान में, ये सरकार भी दे रही है, हम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस सरकार से 5 महीने का दूध उत्पादक संबल योजना का 5 रुपए प्रति लीटर का 5 महीने का बकाया है और बकाया होने से दूध उत्पादन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि भी राज्य सरकार 10 तारीख के बजट में प्रावधान करके इसी महीने में 5 रुपए का भुगतान करे। दूसरा, हमने राज्य सरकार से RCDF के माध्यम से प्रपोजल भेजा है, जब अमूल पूरे देश में, मदर डेयरी पूरे देश में और अन्य जो डेयरियां हैं लोटस और जितनी भी जो है रिलायंस डेयरी जो भी है वो पूरे देश में आप देख रहे हो कि 2 रुपए लीटर सेल प्राइस विपणन का बढ़ा चुके हैं। हमने 20 दिन पहले RCDF के माध्यम से राज्य सरकार के पास भेजा है जो शायद मुख्यमंत्री जी के विचाराधीन है तो इसको सोचेंगे, वो तत्काल प्रभाव से हमें भी 2 रुपए सेल प्राइस में बढ़ाने की अनुमति दे, वरना रोज 50 से 60 लाख रुपए का जिला संघों को नुकसान हो रहा है और ये जो है नुकसान आने वाले टाइम में भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, घी के भाव बाहर से बटर ऑयल आयात करने से भारत सरकार से पूरे देश में घी के भाव 20 रुपए लीटर कम हो गए और उससे राजस्थान में कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए 6-7 हजार मेट्रिक टन जो पड़ा है घी उसका भाव कम होने से नुकसान हुआ, इसकी पूर्ति नहीं होगी। तो ये कृषि में आने से जितने भी फायदे हैं कृषि विभाग के वो हमको मिलेंगे। पशुपालक क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, पशुपालक दूसरे राज्यों से अच्छे पशु खरीद के ला सकता है, उनके इलाज पे अच्छा खरीद कर खर्चा कर सकता है। ऐसे ही जो पशुपालक अपने सारे जो है सुविधाएं, बाड़ा अच्छा बनाना, खेली कोठा बाड़े में चारे के लिए अलग खेली, पानी के लिए अलग खेली बना पाएगा, जब किसान क्रेडिट कार्ड की तरह इसको भी उसमें फायदा मिलेगा। और दूसरा ये है कि जब भारत सरकार किसानों को, छोटे लघु सीमांत किसानों को जो खाद और बीज के किट फ्री देती है, ऐसे ही मेरे पशुपालकों को भी कृषि में आने पर सेक्स सोर्टेड सीमन आज 700 रुपए का मिल रहा है वो निःशुल्क मिलेगा। तो पशुओं की अच्छी ब्रीड बढ़ेगी पूरे देश में
और आवारा जो बछड़े घूमते वो भी कम हो जाए।